जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। ये जी शान साहब आए हुए हैं लाहौर से। शान साहब का नहीं पता, ये जनाब अपने बड़े भाई हैं। वो छोटे हैं भाई। ओ छोटा भाई है जनाब ये। नहीं छोटा भाई है ये, बड़ा मैंने इसलिए कहा है तो छोटा, 11 साल छोटा, कंधों पे खिलाया हुआ इसे अपने, बड़ा मैंने किसी वजह से कहा। ये बड़ी पहुंची हुई चीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट है, बहुत बड़ा दिमाग रखता है, इसलिए जनाब हम इसे अपने से बड़ा समझते हैं, अपने फैसलों में जनाब इसे लेते हैं। तो आज ये लाहौर से आया हुआ था संडे, एंड संडे इज अ फन डे, तो हम लोग जा रहे थे सियालकोट, अम्मी जान साथ हैं, उनको ड्रॉप करना है सिस्टर की तरफ, और शान साहब आए हुए थे। मैंने कहा चल यार शान कुछ खुआ पिया लिया, इसके बाद थोड़ा फन करेंगे। अबीर साहब पीछे बैठे हुए हैं, अबीर साहब हाथ लाएं जी। ये मेरा जनाब बेटा, बहुत प्यारा बच्चा माशाल्लाह, और इससे छोटी जो है मिराल है, उसको मैं अपने साथ नहीं लेके आ सकता था क्योंकि वो इस एज में है कि वो अपनी अम्मा के बगैर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए जब मैं अकेला जाता हूँ तो सिर्फ अबीर ही साथ जाता है, और जब उसकी अम्मा जाती है तो फिर मिराल भी जाती है। ये जनाब मिलते हैं आपको सियालकोट सिटी पहुँच के, और देखिए शान साहब किधर लेके जाते हैं और क्या खिलाते हैं। मिलिए अनाया से, अनाया मेरी भांजी है, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्ची है। अनाया अप्पा करो, नहीं मामू को अप्पा करो बेटा, नहीं लो जी सिस्टर के घर पहुंचने के बाद सारे मिलजुल के खाना खाने के लिए पहुंचे सी मॉल। क्या बात है जी, वहां पे क्या रौनक लगी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, लोग बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे। लगे हाथ नजर पड़ी ग्रिल एंड थ्रिल पर, सारे बैठ गए वहां खाना खाने के लिए। शान साहब को बाहर का शोर पसंद नहीं आया, बाहर की रौनकें छोड़ के आके अंदर बैठ गए। अबीर साहब मेन्यू लेके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ऑर्डर इन्होंने ही डिसाइड करना। सिस्टर से पूछा क्या खाएंगी तो कहने लगी बकरे का मगज ऑर्डर करें। आज मुझे यकीन हुआ कि मगज खवातीन की पसंदीदा गजा है। मगज और सीख कबाब का ऑर्डर दिया। लो जनाब मगज के साथ पहला नवाला फुली लोडेड। मैं तो पहली बार खाने लगा हूँ, बेगम रोज खाती है, समझ रहे हो। मैंने तो मगज को बहुत इंजॉय किया जी, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बना हुआ था। शान और अबीर ने नहीं खाया, खवातीन ने हसबे मामूल खाया। लीजिए खाना शाना इंजॉय करके रज रुज के बैठ गए हैं जी। इसके बाद अब छोड़ेंगे जी सिस्टर की तरफ अम्मी जान को और निकलेंगे वापसी के लिए। रस्ते में जगह जगह बड़ी एलसीडियां लगी हुई थी और लोग मैच से महजूज हो रहे थे। मैच हो इंडिया पाकिस्तान का और लोगों को क्रेज ना हो, ये नहीं हो सकता। देखें क्या बनता है, कौन जीतता। रस्ते में थे कि अबू जान की कॉल आ गई कि आते हुए मेरे लिए आम और सेब लेते आना। अबू जान को बड़ी दफा कहा कि रात को मीठी चीजें ना खाया करें, आपको डायबिटीज है, आपके लिए अच्छी नहीं है, आगे से कहते हैं। नहीं फ्रूट करवाया जी पैक और निकल गए वापसी के लिए घर की तरफ। यहीं पर होता है अहतमाम हमारे आज के वीलॉग का। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।